doctor finally. How are you doing, doctor? Hi. Hello, doctor. आप अस्पताल में हैं? हाँ, I just came to the hospital. Okay, doctor. How is it going with you? पहले तो ये बताइए कि आप कैसे हैं? I am okay. I am good. बस अभी थोड़ा weakness रहता है और कुछ नहीं है. Weakness है, body pain रहता है और कुछ ऐसा कोई major symptom नहीं. And I'm ये तो सभी के साथ हो रहा है. इतने consultation आ रहे हैं, तो हम देख ही रहे हैं. Body pain, weakness, everybody is feeling that. So, how are you? How is everybody at home? I am good, doctor. मुझे कई बार लगा भी कि I should message you and ask you how you're doing, क्योंकि पिछले पूरे हफ्ते शायद आपके क्लासेस नहीं हुए, so I was slightly worried and I wanted to message you, लेकिन आपने जैसे पहले बताया था कि आपके पास लगातार इतने सारे लोगों की requests आ रही हैं, इतने सारे लोगों की consultations, चिंताएं आप तक पहुंच रही हैं, I just thought you know, everything is definitely fine with you and I should not trouble you with my messages any further. And I'm so happy to finally have you on the show and talk to you this way. So, doctor, we still hope that you come back to your... Aapki awaaz mein bhi wo thakaan hai. So, we are hoping that you come back to your back, to yourself back. And aaj jo hum baat kar rahe hain, doctor, ye bhi itna hi zyada crucial hai ke अगर आपको कोरोना हुआ है या आपके घर पे किसी को कोरोना हुआ है तो बाकी लोगों में ना फैले, ये घर के घर पे आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इस बारे में आई थिंक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है, यू कैन शेयर इट विद अस फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस सर। तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, फर्स्ट डे पे ही फर्स्ट सिम्टम पहचानना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है। और मैं क्या बोलूंगा, मतलब हमारा क्या होता है, डॉक्टरों का इशू ये है कि हमें शक हमेशा लगा ही रहता है, हमें हमेशा शक रहता है कि भाई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कोरोना है, महीनों से लगता रहता है, कभी बॉडी पेन हुआ, थक गए, नींद नहीं आई, थक गए, कभी गर्म लगा, ऐसा लगा कि अब हो गया, हमारे लिए असमंजस होता है कि हम कितना अपने आप को आइसोलेट करेंगे। नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ। अच्छा, मैं देखता हूँ, मैं फिर कनेक्ट करूँ बंद करके, तो बाहर आ गया मैं। यस डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। यस। तो देखो, so, yeah. के लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर डॉक्टरों को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है और हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये आप आ गई तो हम घर पे बैठ जाए और बोले कि नहीं हम जाएंगे, हम जाएंगे, क्योंकि फिर संभालेगा कौन, है ना, देखेगा कौन, फिर ख्याल कौन रखेगा, तो ऐसा नहीं होता। तो कुछ डॉक्टर अगर सोचते भी हैं तो गवर्नमेंट प्रेशर डालती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी डाला बहुत सारी चीजें हैं, बट बेसिकली ऐसा है कि एक डॉक्टर की लाइफ में उसको पूरी जिंदगी कोई ना कोई शक होता ही है कि मेरे को कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, कभी कोई सुई से सुई चुभ जाती है तो कहीं एचआईवी तो नहीं हो गया, अब तो नहीं हो जाएगा, कभी कोई कोरोना है, कोरोना वार्ड में कुछ भी गए और थोड़ा गला खराब हो रहा है तो कोरोना तो नहीं हो गया, फिर घर जाऊं कि नहीं जाऊं, अपने घर वालों से मिलूं कि नहीं मिलूं, तो ऐसे कई डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले अपने आप को हॉस्पिटल में रखा 15-15 दिन कि भाई मैं तो आइसोलेट हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, बच्चा है, बड़ा है, ऐसा है, वो है, और कितना भी करो दिक्कत तो ऐसा है, यू नेवर नो, क्योंकि कहीं ना कहीं से हो जा रहा है लोगों को, तो हमारे घर पे भी ऐसा ही था, एक एक करके सबको हुआ, सबको, पहले तो वाइफ को हुआ था मेरी, क्योंकि वो कोविड वार्ड, उनके तो कोविड में ही काम कर रही थी, तो लेकिन मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो वो मेरा हार्ट का डिपार्टमेंट में हम कोविड के पेशेंट ज्यादा नहीं देखते, हम सिर्फ जाके कोविड पेशेंट्स का इको विको करना है तो वो करते हैं, तो कोविड पेशेंट्स का हम हॉस्पिटल में टेक केयर वो अलग से नहीं करते, तो इसलिए फिर हमारे हुआ तो है, फिर सबको हुआ करके, और जब तो दिक्कत है ना, ये ऐसा है कि पता नहीं चलता, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हमने टेस्ट कराया था, कोरोना का टेस्ट कराया, पहले आरटीपीसीआर, वो नेगेटिव आया, लेकिन सिम्टम है, सबको पता है,
हाँ हाँ सिम्टम है तो है, फिर वो नेगेटिव टेस्ट का कोई ज्यादा भरोसा नहीं है, ये चीज है। बाकी ये टेस्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये सिम्टम के ऊपर बेस्ड है और आज भी ये सिम्टम पे बेस्ड है। अगर आप घर पे भी रहते हो और आपको बुखार आ गया, हाँ आपको बुखार है, आपको बहुत अजीब सा बॉडी पेन है, तो आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं आइसोलेट करोगे तो यू रिस्क गेटिंग एवरीबडी इन्वॉल्व। तो राइट आपको बुखार है, आपको बॉडी पेन है, आपको खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट इन अ रूम। और ऐसे कई लोगों को मैसेज आते हैं कि सर हमारे पास तो एक ही कमरा है, हम कहाँ से आइसोलेट करें। तो आई कैन इमेजिन उन केस में दे हैव टू वेयर अ मास्क, दे हैव टू वेयर यू नो ग्लव्स एवरी टाइम, पूरा दिन घर पे, एंड दे हैव टू यू नो बहुत अटमोस्ट लोगों से थोड़ा 1 फुट की है, 1 हाथ 2 हाथ की दूरी बना के रखते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल फिर भी रिस्क है, क्योंकि जब आपको सिम्टम आता है उसके हाँ। कम से कम 1-2 दिन पहले से ही आप, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, वायरस 2 दिन आपके अंदर जाएगा, 2 दिन या 2 से 14 दिन तक पहले मल्टीप्लाई करेगा, तब जाके आपको हाँ। पहला दिन सिम्टम आएगा। हाँ। और उस टाइम पर आपको जब सिम्टम आया उससे 2 दिन पहले से ही आप वायरस फैला रहे हो, तो बहुत अच्छे चांस होते हैं कि आप ऑलरेडी घर पे सबको दे चुके हो, बहुत अच्छे चांस होते हैं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो। इसलिए आप फिर भी अपने आप को आइसोलेट करते हो, फिर भी अपने आप को आप बचाते हो, और प्रिवेंटिव मेडिसिन शुरू कर देते हैं, पहले दिन बुखार आता है तो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। तो घर वालों को बचाना या अपने घर पे लोगों को ना होने देना एक 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 ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा करें उतना कम, फेल होने के चांस हाँ। बहुत है, लेकिन इसका मतलब बहुत मुश्किल वाला है, लेकिन उतना ही ज्यादा डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे मनी एक तरफ हाँ। ये बात है ना कि अगर आप चलो थोड़ा बहुत वायरस जा भी चुका है हाँ। तो इवन इफ अगर आप फिर भी आप साथ रहते हो तो वायरस और जाता जाएगा ना, और लेट जाता जाएगा, तो लोड ऑफ वायरस इंक्रीज करना भी अच्छा नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पे मन्नी है जो कह रहे हैं, हाय सर, माय वाइफ इज कोविड पॉजिटिव, वी वर इन कंटिन्यूअस टच विद ईच अदर, शी फेल इल लास्ट ट्यूसडे, आई हैव बॉडी एक सिंस देन बट माय रिपोर्ट इज नेगेटिव, इज दिस यू नो समथिंग व्हिच हैज टू बी you cannot be trust very the report. That's what right. I can say. You cannot trust the reports. It's all about if you have body pain, if you have COVID at home, then you have COVID in your body. That's right. So what is the next that he has to do, doctor? He has to, it depends upon the days actually. So COVID ka cycle hai, wo aapki body mein 10 din, 9-10 din ke baad active nahi rehta. तो दैट इज द थिंग। तो कोविड का ऐसा रहता है 10 दिन के बाद वो बहुत ज्यादा बहुत रेयरली रहता है। तो आपको आपको अपनी ये इन्हीं 10 दिनों में पहले दिन से ही लेनी चाहिए। बॉडी पेन हो रहा है तो आपको पता है घर में कोविड है, तो आपको आइवरमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन लेनी शुरू कर दी। अगर फीवर आपका 101 आ रहा है तो आपको फैबीफ्लू फैबीपिरावीर लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ये स्टेज में ही काम आती है, ये इनिशियल स्टेज में ही काम आती है, क्योंकि ऑलरेडी वायरस अच्छा रेप्लिकेट हो गया है तब जाके सिम्टम आता है। और अगर हम आगे 7 दिन रुकें तब तक बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना ली और खुद वायरस कम कर लिया, जितना थोड़ा बहुत डैमेज होना था हो गया, अब एंटीवायरल का ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो ये तो इसीलिए एंटीवायरल अगर लेते हैं या ऐसी दवाइयाँ लेनी है जो काम करती है, जिंक विटामिन सी तो पहले से लो, वाइटामिन तो विटामिन तो पहले से लो, तब फायदा है। बिल्कुल डॉक्टर, घर पे बच्चे हैं और मतलब आप शायद बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपके घर पे भी छोटा बच्चा है, और ऐसे में सारे घर के मेंबर्स जो हैं वो कोविड पॉजिटिव है, इस बार बच्चे भी इस बीमारी से दूर नहीं है, सो हाउ टू इंश्योर दैट बच्चों तक ये ना फैले, और बच्चों की इस वक्त में हम कैसे केयर कर सकते हैं मेंटली एंड फिजिकली?
घर पे मास्क पहन के रहिए, मैं आज भी घर पे मास्क पहन के रहता हूँ, घर पे मास्क पहन के रहिए, बच्चों से डायरेक्ट किसियां विसियां नहीं करिए, वो बहुत जरूरी है, और बच्चों बहुत को मुश्किल ऑब्जर्व भी है। करिए, अगर बच्चों बच्चों का पानी बहुत जरूरी है, बच्चों का प्रोटीन डाइट बहुत जरूरी है, उनको नारियल पानी, जूसेस, लस्सी जो पिलाना है पिलाओ, उनको हाइड्रेटेड रखो, जूस दो, और उनको एक आप आए एक मल्टी विटामिन जरूर दो, बीवॉन टाइप, बीवॉन सिरप या कोई उम्र के हिसाब से, छोटा बच्चा है तो ड्रॉप्स, ओके बड़ा है तो सिरप, थोड़ा और बड़ा है तो गोली, डिपेंडिंग अपॉन द, एक मल्टी विटामिन चाहिए। बच्चे आजकल वो राइट। विटामिन सी और जिंक वाली गोली आती है चूसने वाली, खा लेते हैं, कई बच्चे खा रहे हैं, तो वो दे दो एक गोली रोज की, तो ये सारी चीजें जो हैं हेल्प करेगी। और अगर आपको लगता है कि बच्चों को ज्यादा रिस्क है तो आप उसमें सेप्टेलिन दे सकते हो, सेप्टेलिन आती है हिमालय की, वो है, मगर वो तब अगर बॉडी पेन हो रहा है, बच्चा थोड़ा वीक लग रहा है। ओके विशाल दुबे वो पूछ रहे हैं, सर आई वाज कोविड पॉजिटिव, डिडंट टेक एनी स्टेरॉइड्स, वाज हैविंग माइल्ड इन्फेक्शन, बट आफ्टर रिकवरिंग आई एम फीलिंग इन्फ्लेमेशन इन द आई एंड स्लाइट रेडनेस। जो म्यूकर माइकोसिस की आजकल बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, डर है, सो इज इट दैट ही इज आस्किंग। म्यूकर माइकोसिस इतनी आसानी से नहीं होता यार, ये रेयर बीमारी है, ठीक है, राइट। रेयर बीमारी हाँ है, ये घर में रहने वाले को म्यूकर माइकोसिस होना तभी पॉसिबल है जब वो हाई डोज स्टीरोइड दे रहा हो और शुगर चेक ही नहीं करता हो। हाई डोज हाँ स्टीरोइड अनकंट्रोल्ड शुगर उन्हीं को हो सकता है, तो आप स्टीरोइड लिया ही नहीं तो बहुत रेयर है, ना के बराबर है कि आपको म्यूकर माइकोसिस होगा। फिर भी आप अपनी शुगर ओके चेक करो, फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो ENT डॉक्टर को दिखा लो, मगर मैं ये बोलूंगा 90-95% नहीं है, 90-95% वो नहीं है, बाकी है बॉडी में वीकनेस ओके होती है, कई चीजें हो सकती है। नीलाद्री का भी सवाल मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ये पूछ रहे हैं, 5वां दिन है उनका कोविड सिम्टम का, उन्होंने डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन लिए हुए हैं, अभी कोई सिम्टम्स नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को ठीक समझ सकता हूँ और क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं भाई साहब, ऑफिस कहाँ से ज्वाइन करें, 14 दिन का वनवास आपको झेलना ही पड़ेगा, तो बिल्कुल ऑफिस घर नहीं पे जाइए, भी आप घर से आप काम कर सकते हैं इफ यू आर फीलिंग ओके। मोस्टली ऐसे हाँ होता है, 5 दिन में जिनको ठीक लगता है उनके अंदर वायरस ज्यादा गया ही नहीं था और उनकी बॉडी में कम वायरस को पकड़ के अच्छे से उसको दबा दिया और ठीक है, यू विल डेवलप योर इम्यूनिटी ओवर टाइम, मगर आगे 10 दिन तो आपको और अपने घर पे रहना होगा, आइसोलेटेड रहना होगा। बिल्कुल 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 घर पे भी मतलब आप ठीक नहीं हुए हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर ने कहा, और घर के घर पे भी आइसोलेशन में रहना बहुत जरूरी है, ऑफिस जाना तो दूर की बात है। आपको कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं हो सकता, कई लोगों को 10 दिन तक सिम्टम्स आ सकते हैं, कई को के बाद भी बुखार आता है, डिपेंड ऑन कोरोना ने बॉडी ऑन दैट, तो बहुत सिंपल है, और अभी तो बाहर खुद मत ज्यादा अतुल कुमार कह रहे हैं हैट्स ऑफ टू यू सर। अश्विन नंदा, डॉक्टर अश्विन खुद भी कोविड से लड़कर बाहर आए हैं एंड ही इज वन ऑफ आवर कोचेस, ही इज आल्सो सेइंग विशेस फॉर स्पीडी रिकवरी टू डॉक्टर परमजीत। अनुपमा सहयोगी, अनदर डॉक्टर विद अस, शी इज आल्सो सेइंग ग्रीटिंग्स टू यू डॉक्टर, माय आंट डॉक्टर विदिशा वो भी रिकवर कर रही है। सो बहुत सारे डॉक्टर्स खुद भी इससे बाहर निकले हुए हैं और वो उन उनमें ज्यादा रिस्क होता है टू एक्चुअली गेट इन्फेक्टेड और अपने घर पे भी फैलाने का। तो डॉक्टर आप लोग आई एम श्योर ज्यादा, या जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग घर पे आ रहे हैं, उनको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने जरूरी है। सॉरी मे बी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन जस्ट बहुत रिमाइंडर। बहुत ज्यादा, आज भी ऐसा है ना, हमारे मेरे घर पे तो एक कुत्ता भी है, डॉगी है, उसका क्या रहता है, वो तो लोग आए तो ऊपर चढ़ बिल्कुल हॉस्पिटल, आपको पानी में डूबने तो होना अलग होना है, फिर आपको अच्छे से खाना है, मोबाइल तो सब प्रोसेस,
राहुल कुमार पांडे पूछ रहे हैं, सर कोविड वैक्सीन के बाद रेगुलर मेडिसिन ले सकते हैं? काई की रेगुलर मेडिसिन? देखो आपकी पुरानी मेडिसिन जो चल रही है वो आप चलने दीजिए, उसका वैक्सीन से कोई, आप अपने हार्ट प्रॉब्लम और पुरानी कोई भी इन्फेक्शन जो आपको हो रहा है तो सिर्फ एंटीबॉडीज बने और वो आपकी पुरानी बीमारियों के लिए अलग थायराइड जस्ट तो या वो एक बार हो जाएगा तो फिर आप आखिरी सवाल राहुल कुमार पांडे का ले रहे हैं, कोविड वायरस क्लोथ्स पर कितने देर तक रहता है वो पूछ रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे यूज कर सकते हैं, 70-80% अल्कोहल बेस वाला वायरस इज डेड टू यूज सैनिटाइजर, क्या कर सकते हैं, कपड़ों का कैसे ख्याल रखना है? देखो ऐसा है, कपड़े और सर्फेसेस पे वायरस कई घंटों तक रह सकता है, कई दिनों तक रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मॉइस्चर देयर, ठीक है। सो ये प्लास्टिक सरफेस पे 4-4, 5-5 दिन तक रह सकता है, तो इसीलिए ये डिसइंफेक्टेंट आप यूज करते हैं वो थोड़ा बहुत वायरस कम करेगा, जीरो नहीं कर देगा। आप उससे फिर जाके किसी उस कपड़े से किसी का मुंह नहीं पोंछ सकते, आपको जाके कपड़े को धोना ही पड़ेगा। आप उसको ये नहीं सोच सकते कि मैंने डिसइंफेक्टेंट या इवन अल्कोहल स्प्रे मार दिया तो वो कपड़ा पक्के तौर पर साफ हो गया होगा, वो कपड़े को बिल्कुल साबुन पानी से जब तक आप धोते नहीं हो, साबुन इज द बेस्ट, साबुन जब लगता है तो वायरस के बबल सारे फूट जाते हैं, फिर वायरस कुछ नहीं कर सकता, साबुन इज द बेस्ट।